नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमरान हिंदुस्तानी। अफजलगढ़ नगर के मोहल्ला मियाँ जी मोखा निवासी एक पीड़ित भाजपा नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने मकान पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री जी से मकान खाली कराने की गुहार लगाई है। पीड़ित भाजपा नेता रिजवान कुरैशी ने बताया कि नगर के मोहल्ला बेगम सराय निवासी शाइस्ता परवीन पत्नी जावेद आलम ने अपने मकान मालिकों के खिलाफ 26 अगस्त 2022 को कोतवाली अफजलगढ़ में पुलिस को गुमराह करके एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि मकान मालिकों ने काशीपुर तहसील में स्थित इसकी जमीन भी 15 लाख रुपए में खरीद ली थी। बैनामाना कराने के बजाय वे 15 लाख ना लौटाने के बजाय मकान पर कब्जा करने की नीयत से मकान मालिकों पर झूठा मुकदमा लिखाया है। पुलिस से इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पीड़ित ने बताया कि भाजपा के पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश कुमार व भाजपा विधायक कुंवर सुशांत सिंह जी को जमीन बेचकर टांडा बैरागी आलम के पास, जहां उनका निवास स्थान बना हुआ है, उनको यह जमीन हमने बेची थी। जमीन बेचकर यह धन हमने प्राप्त किया था। शाइस्ता पत्नी जावेद आलम भू माफियाओं की सरगना है। इसके सास ससुर ने अपने बेटे व बहू को चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है और इसके सास ससुर ने भी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रखी है। महोदय, यह महिला चतुर किस्म की चालाक औरत है। इसकी चालाकी को मकान मालिकों को अब मालूम पड़ा। जब इसके सास ससुर ने इसको घर से निकाला था, तब मकान मालिकों ने इस पर रहम खाकर अपने मकान में रख लिया था, मगर इसने अपने मकान मालिकों में दबाव में लेने की वजह से झूठा व निराधार मुकदमा दर्ज करा दिया था। तब की उस गली में कई मकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो कि मकान मालिकों का कोई भी आना जाना नहीं है। पुलिस को गुमराह करके झूठा मुकदमा लिखाया गया है। शाइस्ता व उसके पति जावेद आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मकान कब्जाने पर भू माफिया एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाए और मेरे मकान को कब्जा मुक्त कराया जाए। हमने क्षेत्र के अंदर भाजपा को मजबूत करने के लिए 12 बीघा जमीन नेशनल हाईवे पर भाजपा विधायक कुंवर सुशांत जी को दी थी। मैं भाजपा में सन 1995 से हूँ और मैंने भाजपा से 2002 में टिकट मांगा था। टिकट ना मिलने के बावजूद मैं भाजपा की सेवा में रहा, लेकिन आज भी भाजपा में रहते हुए मुझ पर झूठा मुकदमा लिखा दिया गया है। पीड़ित ने अपने आप को भाजपा का पुराना नेता बताया है। देखते रहिए बिजनौर एक्सप्रेस। भारत, जय हिंद। मैं बहुत परेशानी में हूँ कि मैंने एक मकान 14/10/2020 को मोहल्ला बेगम सराय में स्वर्गीय लतीफ़ साहब से ख़रीदा था, हनीफ सन ऑफ लतीफ़ से ख़रीदा था, जिन्होंने ज़मीन खरीद के मकान बनाया था। ये थाने से 150 गज की दूरी पर है। मेरे ही मकान है, मेरे नाम बैनामा है। मेरे ही पास बिजली का बिल है, मेरे पास हाउस टैक्स की रसीद है, मेरे पास बिजली के बिल है सब। और बिजली का बिल इससे पहले भी 20,000 का मैंने भरा था, अब मेरे किराएदार के पास 27,000 का बिल है जो जमा नहीं कर दिया है। मैं कम से कम 1,000 प्रार्थना पत्र लगा चुका हूँ, जिसमें पुलिस मेरे पक्ष में तो रिपोर्ट बनाती है, लेकिन मुझे कब्जा नहीं दिला रही है। और ये जो मैंने थाने में इसको रखा था किराएदार को, ये मैंने पुलिस के कहने पर रखा था। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।